चाहत जरूरी है, मोहब्बत जरूरी है, इबादत जरूरी है, जरूरत जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम्हारे हर मैसेज का तुरंत जवाब आए। जरूरी नहीं कि तुम्हें वीडियो कॉल करने के लिए वो 4G कनेक्शन लगवाए। जरूरी नहीं कि तुम्हारी हर फोटो पर उसका लाइक और कमेंट भी आए। जरूरी नहीं कि गुड मॉर्निंग के बाद रात को गुड नाइट का मैसेज भी आए, क्योंकि जरूरी नहीं कि जैसे तुम प्यार करते हो तुम्हारा प्रेमी ठीक वैसे ही प्यार जताए। जरूरी नहीं कि सागर हमेशा नदी के इंतजार में हो। जरूरी नहीं कि परवाना हमेशा लौ के प्यार में हो। शायद सागर जानता हो कि अंत में नदी उसमें ही समाएगी। शायद परवाना समझता हो कि ये तो लौ है, बुझ ही जाएगी। जिससे मिलना ही है उसके इंतजार में रातें क्यों बिताएं? जिसे पूछना ही है उसे बार 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 क्यों चलाएं? प्यार और इश्क का फर्क समझने में हम मोहब्बत ना भूल जाएं। तो बस इतना याद रखिए कि जरूरी नहीं कि जैसे तुम प्यार करते हो तुम्हारा प्रेमी ठीक वैसे ही प्यार जताए। लेकिन फर्ज करो कि वो वॉइस कॉल करे सिर्फ तुम्हारी सांसों की आवाज सुनने के लिए। फर्ज करो कि वो वीडियो कॉल करे सिर्फ तुम्हारे माथे की शिकन हटाने के लिए। फर्ज करो कि उसकी फोन स्क्रीन पर जब जब तुम्हारा नाम आता हो वो सजदे में झुककर तुम्हारे होने का शुक्र मनाता हो। फर्ज करो कि तुम्हारे हर लफ्ज को वो अपने जहन में बिठाए। फर्ज करो कि तुम्हें देख कर उसे गुलजार की कोई नज्म याद आए। फर्ज करो कि उस नज्म को वो तुम्हें 116 चांद की रातें सुनाए। फर्ज करो कि वो अमृता की तरह तुमसे फिर मिलने की आस लगाए और तुम में सिर्फ साहिर की अस्थियाई नहीं इमरोज का ठहराव भी पाए। फर्ज करो, सोचो, सपने देखो, उम्मीद भी रखो, लेकिन फिर भी याद रखो कि जरूरी नहीं कि जैसे तुम प्यार करते हो तुम्हारा प्रेमी ठीक वैसे ही प्यार जताए। अपने प्रेमी को उसकी खुद की नज्म लिखने दो, उसको अपनी कहानी अपनी जुबानी व्यक्त करने दो। प्यार की भाषा को पूरी तरह कभी जानना नहीं पड़ता और जिससे प्रेम मिलना चाहिए उससे कभी मांगना नहीं पड़ता। जरूरी बस इतना है कि जिससे तुम प्यार करते हो वो अपने तरीके से, अपनी तरह से, लेकिन पूरी चाह से प्यार तो जताए और सिर्फ जरूरत नहीं चाहत बन जाए, मोहब्बत बन जाए, इबादत बन जाए। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप मेरी कविताओं को फॉलो करते हैं देन आई वुड लव फॉर यू टू चेक आउट माई एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज विद पोएटिक quotes ऑन इट लाइक मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए एंड ब्रोकन एंड ब्यूटिफुल इन कोलाबोरेशन विद अनिरेज पोएट्री एज वेल एज आर्टिकाइट। It's the first time I'm doing something like this, so make sure you click in the description below or check out artikite.com. And I hope you like what we have to offer. We've got t-shirts and mugs and cholas. And umeed karti hoon ki aap sabhi ko wo sab kuch pasand aayega. कोई तो हो जो सुने तो सुने बस मेरी निगाह को, क्योंकि ज़ुबान पर अक्सर ताले और नज़रों में बहुत सारी कहानियाँ रखती हूँ मैं। वो मुझसे बात करने आए और कहे कि मुझसे नज़रें मिलाओ, फिर हो यूँ कि वो कहे कि कुछ कहना चाहती हो, जो नहीं कहना चाहती वो तो मैंने सुन लिया। दिल तो हर जगह से टूटा हुआ है मेरा, दिल के हर कोने हर दीवार में छेद है, मगर कोई तो हो जो झांक कर अंदर आने में दिलचस्पी रखे, झांक कर भागने में नहीं। दिल तो ढेर हो चुका एक घर है जो मरम्मत नहीं मांगता, बस सोहबत मांगता है उस शख्स की जो कि इसकी टूटी हुई दीवारों के अंदर आकर इसे जोर जोर से ये बताए कि इसकी बची खुची दीवारें मैली हैं जो रंगी जा सकती हैं। कुछ तस्वीरें टंगी हैं अब भी पुरानी जो फेंकी जा सकती हैं। हाँ वैसे काफ़ी नुकसान हुआ है दरो दीवार के टूटने से, मगर इसकी बुनियाद अब भी सलामत है। कोई तो हो कि जो देखे तो देखे बस मुझको, कहे मुझसे कि ये मुस्कुराहट ना खूबसूरत तो है